मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। अतः मनुष्य के द्वारा किया गया अच्छा कर्म ही उसका भविष्य बनता है। इसे यूं समझें कि किसान जो भी बीज अपने खेत में बोता है वो उसे फसल के रूप में बाद में वो काटता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी अपने जीवन में कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना कभी नहीं रोते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण कभी ना बने। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। सोच समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके हमेशा प्रदान करती रहेगी। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना ही पड़ता है। जिंदगी में अगर कभी परिभाषा में फंस जाएं, तो एतबार अपने मकसद पर होना चाहिए। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले या ना मिले, लेकिन रात की नींद बड़े सुकून भरी होगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। पृथ्वी पर जीवन के रूप अलग अलग हैं, एक लक्ष्य सबका है, वो कर्म करना ही है। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए, जो आपको वापसी में मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। कर्म ही मनुष्य को प्राप्त इकलौता ब्रह्मास्त्र है, जिससे वो अपने मनोरथ को सीधा कर सकता है। स्थापित है समाज में मापदंड अच्छे बुरे कर्मों का, मगर आप चयन उन्हीं कर्मों का करें जो आपके चरित्र की परिभाषा हो। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी जीवन में बिना बेईमानी के ही मिलेंगे। अपने काम को अपनी प्रतिष्ठा समझिए, फिर आपके काम में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, लेकिन आपके बुरे कर्मों का फल आप स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्म की बाधा नहीं बनता, फिर भी चुनना पड़ जाए अगर तो हमेशा कर्म ही चुनना। सच्चा कर्म ही मनुष्य की कठिन परीक्षा लेता है। सफल तभी होंगे जब आप विश्वास अडिग हो। कभी कभी भुगतना पड़ जाता है दूसरों के कर्मों का फल भी। समझ लेना कि कोई कर्ज था जो आपने उतार दिया, अब शेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का भी इस दुनिया में। बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। कर्म अच्छा है या बुरा इस बात का फैसला आप नहीं करेंगे, कर्म का मकसद तय करते हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का हमेशा चयन करें। आपके कर्मों का चयन ही आपके जीवन की रूपरेखा तैयार करती है। हमेशा याद रखिए, आप अपने बुरे कर्मों के फल से नहीं भाग पाएंगे। कर्महीन मनुष्य जानवर के समान होते हैं। दौलत वही है
जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं जिंदगी में। कर्म वैसे कीजिए कि आप किसी के कभी भी काम आ सकें। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देगी। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना कभी भी रोते नहीं हैं।